हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फूल बोल बुलबुल में। आज का जो सेट है हमारा, ये मॉक टेस्ट जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 24वां प्रैक्टिस सेट है। मैथ और रीजनिंग के सेट अभी चल रहे हैं आपके। जिसने भी पीछे वाले सेट नहीं देखे हैं, कई प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं, एक बार उनको ज़रूर देख लें। उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप उनको देख लीजिए, ठीक है। इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कूल बॉय कुलबीर के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। आपके CET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो प्लेलिस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ की क्लास हमारी चल रही है, तो मैथ और रीजनिंग की पहला क्वेश्चन रीजनिंग से है। देखिए दिशा का, जैसे ही दिशा का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कीजिए इस मेथड का यूज, NEWS कर लीजिए, न्यूज से आपको याद रह जाएगा NEWS, ठीक है। ये आपकी दिशाएं हो गई है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है उसी हिसाब से चलेंगे। रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर, दक्षिण कौन सा, साउथ, नीचे, तो ये गया 25 नीचे, ठीक है। यहाँ से चला है और 25 चला गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, बाएं मुड़ता और 20 चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ गया तो 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, बाएं फिर मुड़ता है और कितना जाता है, 25, यानी इसके बराबर में फिर आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर आपने दाएँ मुड़ता है, अब यहाँ से मुड़ता है वो दाएँ इस तरफ, ठीक है, और कितना जाता है, 15, ठीक है। तो अब अपने आरंभिक स्थान से कहाँ से चला था, वो यहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी, 20, और प्लस में आगे कितना गया, 15, 20 और 15 कितना हो गया, 35। कौन सी दिशा में चल रहा है, ये दिशा, देखिए ये दिशा हमारी कौन सी है, ईस्ट है, तो 35 क्या हो गया, पूरा हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिशा के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं मानना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए, एक परिवार में एक आदमी है और एक पत्नी है, दो हो गए, उसके चार बेटे हैं, ठीक है। इन दोनों के कितने हैं, चार बेटे, 1, 2, 3 और ये चार, चार बेटे, ठीक है। और हर बेटे के परिवार में तीन पुत्र, एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र और एक हो गई ये पत्नी, ठीक है, पुत्री, दो पुत्री हैं, ठीक है, दो लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो गोल चक्कर कर रहा हूँ ये पुत्रियाँ हैं, ठीक है। जो फीमेल है वो इसे डिनोट कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखिए, अब क्या बोला इसने, तो इस परिवार में कुल पुरुषों की संख्या पूछी, देखिए यहाँ से लगेंगे, एक हो गया, एक के बाद चार ये हो गए, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 हो गए। अब इनके तीन तीन पुत्र हैं, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो कितने हो गए, 17 पुरुष हो गए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वेन आरेख है, जानवरों, हाथियों और शेरों, तो जैसे ये जानवर है इसके अंदर ही हाथी और शेर आएगा, तो ऐसा कौन सा, ये त्रिभुज दे रखे तो एक त्रिभुज हो गई, इसके अंदर दो त्रिभुज हैं, तो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि एक घड़ी है, मान लीजिए ये है आपकी घड़ी, क्या कहता है इसमें, शाम के 4 बजे हैं, 4 यहाँ पे होता है, 12 यहाँ पे, तो ये हो गया, ठीक है, 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये घड़ी हो गई। क्या कहता है, घंटे और सुई, घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण या अंश होगा, तो यहाँ पे देखिए, जैसा आपको पता है
अगर 3 बजते हैं तो यहाँ पूरा 90 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूरा 90 का होगा। अब आपको पता है 30 मिनट के बीच जो 1 घंटा है उसमें कितने डिग्री होती हैं? 30 डिग्री होती है, ठीक है। 1 मिनट का कितना होता है? 1 घंटे में कौन बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। 3 बजे तक 90 का था, तो 90 के बाद 30 डिग्री और गया तो कितना हो गया? 120। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे कितने का हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इनको करना है। उसके बाद है, दिए गए भाष्य में पी ऊपर है, ठीक है, तब नीचे कौन सा अक्षर होगा? पी ऊपर है तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें एक काम कीजिए, जो भी मैच करते हैं वहीं से शुरू कीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से पी से शुरू करेंगे तो ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे। पी पहले लिख लिया, फिर क्यू, फिर ए, ठीक है। इसमें भी जहाँ से जो अक्षर मैच हो रहा वहीं से शुरू करेंगे, पी से, पी बी आर, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यू के विपरीत में बी है, ए के विपरीत में आर है। अब ये देखिए क्या पूछा है इन्होंने कि पी के विपरीत में कौन सा होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से ये देखिए मैच कौन सा कर रहा है, ए है इसमें, इसमें भी ए है, तो यहाँ से शुरू कीजिए, ए फिर क्यू और फिर सी, ठीक है। सेम इसमें कीजिए, फिर ए से, ए पी और क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या बताना है, आपने बताना है कि जो पी है अगर ऊपर होता है तो उसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पी के विपरीत क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या के विपरीत क्या हो सकता है? सी हो सकता है, और क्या के विपरीत बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ए कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ए के विपरीत में आपका आर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी के विपरीत में क्या जाएगा, अगर 1 और 3 को हम मिलाते हैं 5 से को, ठीक है, ये देखिए 1 और 3 को, ए ए पी क्यू, ठीक है, ऐसे चले इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी ऐसे ही चलेंगे। इसमें 2 में लें तो ए क्यू पी, ठीक है, ए से ए मिला है तो क्या बन गया, यहाँ पे पी के विपरीत कौन सा गया? सॉरी, ए क्यू सी है यहाँ पे, ठीक है, ए क्यू सी, यहाँ से क्यू ए पी ले लीजिए और यहाँ से लीजिए क्यू सी, आपने क्या करना है इसमें दोनों में मैच करना है, ठीक है। मैच क्या करना है, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ए पी क्यू हो गया। अब यहाँ से सेम इसमें ए और क्यू मिल रहा है तो पी के विपरीत में क्या रहेगा, यहाँ पे सी रह गया तो पी के विपरीत में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। जो दो चीज़ें इसमें मिल रही हैं वो मिला लीजिए, बाकी जो बच गई वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 323, इसका गुणनखंड आपने करना है, तो कैसे करोगे इसका, देखिए आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस में किस किस की गुणा 323 होती है? ये होती है दोस्तों 17x की और 19x की, ठीक है, गुणा 323 होती है और आगे है माइनस का 323, ठीक है। अब इसको करेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 17 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 19 कॉमन ले लिया तो x
प्लस का माइनस 12 तो अंदर प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस का 17 क्या बन गया यहाँ पे, एक्स माइनस 19 बन गया, एक तो एक बन गया एक्स प्लस 17। ठीक है, तो अभी इनमें से आपने बताना है कि कौन सा एक इसका गुणनखंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, एक तो हो गया एक्स माइनस 19 वाला जो हमारा, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, जैसे देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर के बाद में हमने किसकी बताई थी 19x की, और माइनस का 17x घटा में 323। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन आ गया तो x प्लस 19 यहाँ पे बच गया, माइनस में 17 और x प्लस का 19 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो अब क्या बच गया, x माइनस का 17 और x प्लस का 19। तो ये आपके जो फैक्टर हैं वो बन गए हैं। तो इन ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही है, x माइनस का 17 सी ऑप्शन में है, x प्लस 19 कौन से में है ही नहीं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी बड़ी संख्या है, 1/3 की क्यूब है, 1/4 की 4 है। तो यहाँ पे देखिए इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/27 हो जाएगा, ये 1/256 हो जाएगा। इनको देखेंगे कौन सा बड़ा छोटा है, तो इनको भाग दे के देखेंगे, तो भाग देंगे तो पता है क्या आएगा, 1/27 का तो हो जाएगा 0.037 और 1.256 का, 1/256 का हो जाएगा 0.004। ठीक है, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये वाली बड़ी है, तो बड़ी की तरफ खुला मुँह, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इनमें से देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो कौन सी हो जाएगी, ये ऑप्शन 1/3 का क्यूब, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद x माइनस वाई 5 है, पहले वाले सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। ठीक है, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला खोलते हैं, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये होता है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का एक्स वाई, और गुणा में होता है x माइनस वाई। ठीक है, चाहे पहले ले लीजिए चाहे बाद में, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए x प्लस वाई स्क्वेयर का भी फार्मूला हमें चाहिएगा। तो x प्लस वाई स्क्वेयर को हम कैसे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, प्लस में 2xy लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई हमारे पास कितना है, 5, तो 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में 2xy कितना है, 36 है, तो 2 गुना में 36 हो जाएगा, 5 5 25, प्लस में 36 तो नहीं 72, 25 और 72 कितना हो जाएगा, 97। ठीक है, ये 97 हो गया। तो अब जो ये फार्मूला हमारा इधर वाला है, इसके अंदर हम इसको पुट रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमने ये निकाल ली 97, प्लस में एक्स वाई कितना हमारा 36 है, ठीक है, और x माइनस वाई हमारा कितना है, गुणा में हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 97 और 36 होते हैं 133, गुणा में हो जाएगा 5, 133 पंजे होते हैं 665। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, एक चतुर्भुज के दो कोण समान हैं, तीसरा और चौथा क्रम से, देखिए ये आपकी चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है इनका जोड़ 180 होता है, आमने सामने के कोण। ठीक है, तो इन्होंने मान लीजिए ये 105 दे दिया, तो ये हो गया आपका 75। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये वाला जो कोण है आपका ये कितने का होगा। तो तीसरा और चौथा 180 टोटल होता है दोनों का, तो दो कोण बचे हुए हैं, तो कितने का एक हो जाएगा, 90 का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो 90-90 के हो सकते हैं दोनों। उसके बाद है, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कौन सी है, जो आमने सामने की भुजाएं जो है वो
समान है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो तो दे दी 17, ठीक है, और जो विकिरण है वो दे दिया आपको 30, यानी कि ये 15 है, ये 15 है। कंप्लीट विकिरण 30 है तो ये 15 15 हो गया, और भुजा दे दी 17, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी दोस्तों। एक भुजा ये वाली हम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी ये निकलेगी इसमें से अगर इसका स्क्वायर घटा देंगे तो फार्मूला क्या है वो आपका 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इसका रूट, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस का 225, इनका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 289 में 225 माइनस करेंगे 64 का रूट, यानी कि 8 आ गया आपकी एक विकिरण, ये 8 आ गया तो ये भी 8 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया 16, तो इस विकिरण की लंबाई कितनी हो गई 16 हो गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ए प्लस बी दे दिया आपको 7, ए माइनस बी दे दिया 5, निकालना क्या है ए बी दोनों एक गुणा, तो देखिए इसको क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कैंसिल, यहाँ कितना होगा 2b बराबर है 7 में से 5 गए 2, तो b क्या आ गया यहाँ से 2/2 यानी कि 1, b आ गया 1। तो जो पहली इक्वेशन है इसके अंदर हम रख देते हैं a प्लस बी की जगह रख दिया 1 बराबर है 7, ठीक है, तो a कितना आ गया यहाँ से 7 में से गए 6, a 6 आ गया, b हमारा 1 है ही, तो a भी अब निकाल सकते हैं, ए कितना है ए है 6 और बी है 1, 6 एकम 6, तो 6 ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि 5 की पावर दे दी उन्होंने 3x और आगे बेस सेम है तो पावर सेम रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इधर आके कितना हो जाएगा 7 में से 3 गए 4x और इधर ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट और इजी भी है, ठीक है। उसके बाद है एक शहर की जनसंख्या 48,600 है, पहले वर्ष में 25% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है, तब 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं, तो हम जैसे लाभ आने का क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, जो आपकी टोटल जनसंख्या इसको 25% बढ़ रही है तो 125 हो जाएगा, 125/100 गुणा 8% घट रही है तो 92 हो जाएगा, 100 में से घटती है तो 92/100, 2 0 से 2 0 25 4 100 25 5 125, 4 से चला जाएगा 4 2 8 4 3 12, ठीक है। अब इनकी गुणा कर देंगे तो तीनों की अगर हम गुणा करते हैं तो ये आपकी आ जाएगी कितनी 55,890, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा मेथड है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। उसके बाद दो संख्याएं हैं 20 और 50, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक, जैसे तीसरी संख्या मान ली हमने 100 है, ठीक है, तो पहली संख्या तो 20% यानी 120 हो गई है और दूसरी है 50%, तो इसका 50% 50 150 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहते हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात जो पहली और तीसरी है इनका अनुपात आपने बताना है, तो इनको कैंसिल करेंगे 4 3 से 3 4 12 3 5 15, तो कितना अनुपात आ गया 4:5, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई 3:4 के अनुपात में है, जैसे ये है आयताकार मैदान आपका, ये 3x मान लीजिए, ये 4x मान लीजिए, ठीक है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो 1/12 हेक्टेयर दे रखा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है फार्मूला, तो 4x गुणा में 3x क्या दे रखा है 1/12 गुणा में हेक्टेयर का मतलब होता है यहाँ पे
10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनकी गुणा करेंगे तो आती है 12x2। 12x2 बराबर है कितना हो जाएगा, 10,000 बटे में 12। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर निकालेंगे तो 12 इधर आके गुणा में हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे कटेगा, ये स्क्वेयर में है तो 1 12 हट जाएगा, ऊपर से 2 0 हट जाएंगे, तो ये बच जाएगा 100 बटे 12, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 100 बटे 12, इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 25/3 पे कट जाएगा। तो 25/3 एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। पूछा है क्या इसने, मैदान की चौड़ाई बतानी है आपने, तो चौड़ाई कितनी थी, 3x। तो एक्स की जगह पर 25/3 रख देंगे, 3 गुणा में 25/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 25 मीटर, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल स्टेटमेंट के हिसाब से चलिए, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं वीडियो मैथ के, एक बार कमेंट करिए ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।